डार्लिंग प्रियंका ने विशाल के आने वाली फिल्म में किए 7 खून और हो गए उनके सभी 7 खून माफ। लेकिन कल मीडिया के सामने प्रियंका ने पिछले हफ्ते उनके घर पड़ी आईटी रेड के बारे में जो कुछ भी सफाई दी, उस सफाई में थी एक दो नहीं कई झूठ की बेवफाई। ना तो मैंने कभी उतना कैश देखा है। इट्स शॉकिंग, बड़े स्टार्स के साथ ऐसा होता है। मौका तो था प्रियंका की आने वाली फिल्म 7 खून माफ का अनोखा प्रमोशन, लेकिन सभी को प्रमोशन से ज्यादा इंटरेस्ट था इवेंट के बाद होने वाली प्रियंका की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जरा सुनिए क्या कहना था प्रियंका का उस खबर को लेकर जिसमें कहा गया था कि उनके घर से 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनअकाउंटेड वेल्थ के बारे में पता चला है। जहां तक 6 करोड़ के कैश की डिस्कवरी हुई है मेरे घर में, ना तो मेरे गद्दों के नीचे वैसे पैसे थे, ना तो मैंने कभी उतना कैश देखा है। तो सुन लिया ना आपने प्रियंका का जवाब, कह दिया कि कभी 6 करोड़ रुपए देखे ही नहीं। वेल, अब आप ही बताइए, जिन प्रियंका चोपड़ा को एक फिल्म के लिए करोड़ों रुपए मिलते हो, और तो और हाल ही में प्रियंका को एक रियलिटी शो होस्ट करने पर भी काफी पैसे मिले थे और फिर डांस शो से कमाई, वो अलग। उनके इस बयान पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल जरूर है। ना तो मेरे गद्दों के नीचे वैसे पैसे थे, ना तो मैंने कभी उतना कैश देखा है। खैर आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं आपको कि क्या कहना था प्रियंका का उस खबर को लेकर जिसमें कहा गया कि रेड के वक्त शाहिद उनके घर पर मौजूद थे। Yes, I did call him because there was nobody else I could call at that point. So he was there when this happened. He was the only person that I could call who would come immediately. So yes, he was there. चलिए प्रियंका, आपने कम से कम ये तो मान लिया कि आपके घर शाहिद मौजूद थे। वैसे खबरें तो ये थी कि जब आईटी डिपार्टमेंट वाले रेड के लिए प्रियंका के घर पहुंचे तो दरवाजा शाहिद कपूर ने खोला था। और इधर प्रियंका का कहना है कि उन्होंने शाहिद को बाकायदा फोन करके तब बुलाया था जब ऑलरेडी आईटी डिपार्टमेंट वाले उनके घर दाखिल हो चुके थे। तो अब आप ही बताइए कि प्रियंका के इस बयान पर आप कितना यकीन करेंगे। My mom was not home at that point and Shahid lives 3 minutes away from me. So yes, I did call him because there was nobody else I could call at that point. So he was there. Well, प्रियंका आपके घर रेड क्यों पड़ी, क्या जरूरत थी और वहाँ से क्या कुछ मिला, इसका खुलासा तो तब हो सकेगा जब आईटी डिपार्टमेंट वालों की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी होगा। लेकिन तब तक हम तो आपसे यही कहेंगे कि प्रियंका भले ही आपके रियल लाइफ में 7 खून माफ हो, लेकिन रियल लाइफ में चोट शायद माफी के काबिल नहीं। कहते हैं कि बहुत बड़े स्टार्स के साथ ऐसा होता है, तो मैं अपने आप को फ्लैटर करती हूं, आई गेस। सेगमेंट कब और कहा करीना और शाहिद ने की बातें, एंड अली जफर अपनी बेटर हाफ को क्यों छुपा रहे हैं। शिल्पा शेट्टी के स्पा बंद होने की खबर आई थी, लेकिन अब शिल्पा ने दी है इस खबर पर सफाई। शिल्पा शेट्टी की स्पा को लेकर पिछले कुछ दिनों से काफी स्पेकुलेशन चल रहा था। कहा जा रहा था कि शिल्पा की स्पा चल रही है काफी लॉस में, लेकिन जब हमने शिल्पा से इस बारे में पूछा तो वो हमसे ही पूछने लगी, किसने बोला सीए है आप हमारी, सीए है आप हमारी। इसके बाद शिल्पा ने ये भी कह दिया कि अगर स्पा से हो रहा था लॉस तो वो लोगों से पैसे मांग रही होती। और अब अपने स्पा को प्रमोट करते करते शिल्पा ये भी कह गई कि वो इंडियन टीम बॉयज को इनवाइट करना चाहती है स्पा में, वो भी मसाज के लिए। One advice to the Indian team that you brought. Come and take massages at IOSIS. You'll feel fantastic. शिल्पा, आप इंडियन टीम बॉयज को मसाज के लिए इनवाइट कर रही हैं। आपको पता तो है ना कि आप क्या बोल रही हैं? Coming up more in this segment, Miss Universe 2010 करेंगी सलमान के साथ रोमांस, and blast from the past, Chaddi buddies Aamir and Shahrukh. शाहिद और करीना की मुलाकात की खबर तो जूम ने आपको दे ही दी थी, लेकिन अब आई है उससे भी आगे की खबर। और खबर ये है कि सिर्फ मुलाकात ही नहीं, ढेर सारी बातें भी हुई हैं। शाहिद और करीना की हो गई मुलाकात। शाहिद और करीना की हो गई बात। जी हाँ, एक दूसरे से नजरें चुराने वाले इस एक्स कपल ने सिर्फ नजरें ही नहीं मिलाई बल्कि एक दूसरे से ढेर सारी बातें भी की।
क्योंकि मुंबई की एक डेली ने खबर छापी है कि 56th आइडिया फिल्म फेयर अवार्ड में शाहिद और करीना आ गए आमने सामने, लेकिन इस बार दोनों ने एक दूसरे को इग्नोर नहीं किया बल्कि एक दूसरे को ग्रीट किया और की ढेर सारी बातें भी। और मजे की बात तो ये है कि दोनों जब गुफ्तगू कर रहे थे तो साथ ही खड़े थे सैफ अली खान भी, और ये बात खुद कंफर्म की सैफ ने। यस, करीना डिड स्पीक टू शाहिद एट फिल्म फेयर, दे मेट एज वन शुड। और जब सैफ ने इस बात पर मुहर लगा ही दी है तो मतलब ये कि बात सच्ची है। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि जब शाहिद और करीना एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे होंगे तो सामने खड़े सैफ क्या कर रहे होंगे, शायद दे रहे होंगे फेक स्माइल। अपनी पहली फिल्म तेरे बिन लादेन से बॉलीवुड के साथ लंबी फीमेल फैंस की लाइन बना चुके अली जफर आजकल अपनी वाइफ को छुपाते फिर रहे हैं। यकीन नहीं आता तो खुद देखिए। मुंबई में हुए एक अवार्ड सेरेमनी में हमारी नजर पड़ी अली जफर पर, जिन्होंने एंट्री की एक हसीना के साथ, लेकिन जूम को देखते ही इन्होंने उस हसीना को कैमरे से दूर कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि कौन है ये हसीना जिसे कैमरे की नजरों से दूर करना चाह रहे हैं अली। चलिए, अली तो आपको बताने से रहे, हम ही बता देते हैं। ये ब्यूटीफुल लेडी कोई और नहीं बल्कि है अली सफर की शरीके हया, वे मीन इनकी पत्नी। लेकिन सवाल ये है कि अली ने आखिर कैमरे के सामने से वाइफ को क्यों हटा दिया। वेल, अब इसका मुकम्मल जवाब तो शायद अली ही दे सके, लेकिन क्या आपको अली के सैक को देखकर ये नहीं लगता कि अली नहीं तोड़ना चाहते अपनी फीमेल फैंस का दिल? क्योंकि अगर अली की वाइफ के बारे में उनकी फीमेल फैंस को पता चल गया तो शायद ही वो सब अली और उनकी फिल्म्स में इंटरेस्टेड हो। क्यों अली, क्या कहेंगे आप? बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान जल्द ही बनने वाले हैं एक्टर। जी हाँ, ये अजीबोगरीब स्टेटमेंट खुद SRK ने दी है। अगर आपने शाहरुख का ये बयान मिस कर दिया तो फिर से सुनिए। जी हाँ, सुन लिया ना आपने, बॉलीवुड के सुपरस्टार किंग खान शाहरुख अब ये बोल रहे हैं कि वो एक्टर बन जाएंगे। शाहरुख ने ये कमेंट किसी और के सामने नहीं बल्कि उनके नए डायरेक्टर विशाल भारद्वाज के सामने कहे, और शाहरुख विशाल के लिए ही बनने जा रहे हैं एक्टर। दरअसल फिल्म फेयर अवार्ड नाइट के मौके पर बॉलीवुड के किंग खान पूरे फॉर्म में नजर आए और जमकर अपने दोस्तों और वेल विशर्स से मिल रहे थे। इतने में शाहरुख और विशाल भी आ गए आमने सामने, और इसी मौके पर शाहरुख ने ही बातों बातों में विशाल के लिए एक्टर बनने की बात कही। वैसे शाहरुख ने खुद के एक्टर बनने को लेकर ये अजीबोगरीब कमेंट क्यों मारा, इसका जवाब तो शायद वही दे सकते हैं। लेकिन एक रीजन ये भी हो सकता है कि विशाल जो फिल्म शाहरुख के साथ कर रहे हैं वो चेतन भगत की नॉवल 2 स्टेट्स का अडैप्टेशन है, और खबरें यही है कि इसमें शाहरुख एक संजीदा रोल निभा रहे हैं, और शायद फिल्म की संजीदगी को ध्यान में रखकर ही शाहरुख ने दिया होगा ये बयान कि अब वो एक्टर बनने वाले हैं। Well, SRK, this is not fair. विशाल की फिल्म कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पुराने फिल्म मेकर्स को भूल जाएंगे। जरा सोचिए तो आपके इस बयान का असर करण पर क्या पड़ा होगा। बैड न्यूज फॉर कैटरीना कैफ, और न्यूज ये है कि मिस यूनिवर्स 2010 करने जा रही हैं सलमान खान के साथ रोमांस, वो भी उनकी अगली फिल्म पार्टनर 2 में। पहले मिस वर्ल्ड, फिर मिस यूनिवर्स, इसके बाद मिस एशिया पैसिफिक, और अब एक बार फिर नई मिस यूनिवर्स के साथ रोमांस करते नजर आ सकते हैं सलमान खान। जी हाँ, ऐश्वर्या, सुष्मिता, दिया मिर्जा जैसी बॉलीवुड ब्यूटीज और इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की शान बढ़ा चुकी इन हसीनाओं के साथ ऑन स्क्रीन इश्क लड़ाने के बाद खबर आई है कि सलमान की आने वाली फिल्म पार्टनर 2 में मिस यूनिवर्स 2010 ज़िमेना नवेरेट रोजेट उनके ऑपोजिट लीडिंग लेडी का किरदार निभा सकती हैं। मेक्सिको की सुपर मॉडल और मिस यूनिवर्स का खिताब जीत चुकी ज़िमेना फिलहाल 10 दिन के लिए इंडिया में है, जो कि सलमान के दोस्त और मशहूर डिजाइनर संजना जॉन के लिए कैंपेन को प्रमोट कर रही हैं। सोर्सेज के मुताबिक पार्टनर की सीक्वल के लिए किसी नए चेहरे की तलाश की जा रही थी, और बताया जा रहा है कि ज़िमेना फिल्म मेकर्स को इस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट लग रही हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि सलमान और ज़िमेना हाल ही में मिले भी हैं, और इसी मुलाकात के बाद सुनने में आया है कि ज़िमेना के हिंदी लेसन्स भी स्टार्ट हो चुके हैं। वेल, हम तो यही कहेंगे सलमान, नए साल पर नए पार्टनर के साथ नई फिल्म, ख्याल बुरा नहीं है।
नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर अर्जुन रामपाल को क्यों और कौन से अवार्ड्स लगते हैं बोगस, आइए खुद अर्जुन से ही इसका जवाब सुनते हैं। अवार्ड मिल गया तो बल्ले बल्ले, नहीं मिला तो अवार्ड बोगस है, कुछ यही कहना है अर्जुन रामपाल का। जो भी मुझे अवार्ड देता है मैं बोलता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी और फेयर अवार्ड है, और जब मुझे अवार्ड नहीं मिलता है मैं बोलता हूँ बिल्कुल बोगस अवार्ड है। भाई वाह अर्जुन, जब अवार्ड मिलते हैं तब तो आप ऐसी बातें नहीं करते। पिछले दिनों जब आपको राजनीति के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था तब तो बड़े खुश हो गए थे आप। ये अप्सरा मिल गया, मैं एक अप्सरा घर ले जा रहा हूँ एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। वेल अर्जुन, चलिए ये बात अच्छी है कि कम से कम आप अवार्ड को लेकर नाराज तो नहीं होते, क्योंकि देखने और सुनने में तो ये भी आता है कि कई एक्टर्स तो अवार्ड ना मिलने की वजह से इवेंट तक छोड़कर चले जाते हैं। अब हम आपको शाहरुख और आमिर की एक ऐसी पिक्चर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप उछल पड़ेंगे। ये देखिए, अरे अरे ये नहीं, ये देखिए, लगाना जोर का झटका धीरे से, लेकिन जो तस्वीर आपकी आंखों के सामने है वो बिल्कुल सच है, उसमें कुछ भी मॉर्फ नहीं किया गया है। जी हाँ, शाहरुख क्या खोल कर खड़े हैं ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। और अब इधर नजर डालिए, यहाँ आमिर अपनी बॉडी के डोले शोले दिखा रहे हैं। वैसे तो ये पिक्चर बहुत पुरानी है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है दोनों खान ऐसा क्या कर रहे थे, जो एक की खुली है शर्ट तो दूसरे की खुली है पैंट। सोनम नहीं दे रही है डेट्स, तो हार कर पंकज कपूर को उनके फादर अनिल कपूर के पास जाना पड़ रहा है, क्योंकि न्यूज आई है कि पंकज और अनिल इस मुद्दे पर करेंगे मीटिंग। कपूर वर्सेस कपूर, कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है मुंबई के एक टैब्लॉइड की हेडलाइंस पर। जी हाँ, आप सही देख रहे हैं, आमने सामने आ गए हैं अनिल कपूर और पंकज कपूर। चमेली की शादी फिल्म से अपनी दोस्ती के लिए जाने जाते इन दोस्तों के बीच सोनम कपूर की वजह से आ सकती हैं दूरियां, क्योंकि टैब्लॉइड की माने तो सोनम पंकज कपूर को नहीं दे रही है डेट्स, और अब इसी वजह से पंकज कपूर और सोनम कपूर की इस नोकझोंक के बीच आना पड़ गया है अनिल कपूर को। डेली की माने तो अनिल कपूर इस समय टोरंटो गए हुए हैं, और जैसे ही वो इंडिया वापस लौटेंगे वैसे ही वो इस मुद्दे को सुलझाने के लिए पंकज कपूर से बातचीत करेंगे। हालांकि जब हमने कुछ दिन पहले पंकज कपूर से इस मुद्दे पर बात की तो उनका कुछ ये कहना था, ये सब रूमर्स होती हैं जो फैलती रहती हैं, वी आर वर्किंग वेल एंड वी आर वर्किंग लाइक अ फैमिली टुगेदर। वेल पंकज चाहे कितनी भी सफाई क्यों ना दे दे, लेकिन बिना आपके धुआं नहीं उठता। राशि देसाई की फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के सीक्वल का कुछ अता पता नहीं है, और जब जूम ने प्राची से इसके बारे में पूछा तो उनका कहना था कि वो फिल्म मांगने के लिए किसी के पास नहीं जाएंगी। प्राची देसाई ने वंस अपॉन अ टाइम में बनाया था पीने का मौसम, और इस मौसम को देखकर बॉलीवुड हो गया था कुर्बान और मेहरबान। लेकिन लगता है इस जोड़ी को एक बार फिर से देखने के लिए आप सभी को करना पड़े लंबा इंतजार, क्योंकि फिल्म का रफ स्केच भी अभी तैयार नहीं हुआ है। क्या है वजह, खुद जूम पर बताने आ गई है प्राची देसाई। द नेक्स्ट थिंग दैट आई रियली वांट to happen is definitely Once Upon a Time in Mumbai. That is something that we all are looking forward to. Unfortunately, हमारे director, हमारे writer सारे busy हैं with other projects, and we are all you know doing something or the other. That's why maybe. प्राची, आप तो एकता की अच्छी दोस्त है ना, तो भला अपनी दोस्त को push क्यों नहीं करती कि वो जल्द से जल्द बनाए आपकी इस hit film का sequel? आखिर थोड़ा बहुत influence तो इस्तेमाल कर ही सकती हैं आप। जी नहीं, मैं और मेरे friends एकता के पीछे इसलिए पड़े हुए हैं ताकि वो थोड़ा वक्त निकाल सके हम सबके लिए, क्योंकि फ्रेंड्स तब काम नहीं आते जब काम होता है, बट फ्रेंड्स आर फ्रेंड्स। मैं उनसे फिल्म के लिए तो आई डोंट थिंक दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट। वेल दैट्स अ बोल्ड स्टेटमेंट कि प्राची काम मांगने के लिए दोस्तों के सामने हाथ नहीं फैलाती। वी होप प्राची आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इनडीड।
मुंबई में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि न्यूज आई है कि बांद्रा वर्ली सी लिंक पर 7 से 9 बजे तक जाना बिल्कुल फ्री होगा और इसके पैसे पे करेंगे शाहरुख खान। मुंबई वालों के लिए खुशखबरी, अब आप शाम को 7 बजे से 9 बजे तक आराम से वर्ली सी लिंक पर घूम सकेंगे, क्योंकि मुंबई के एक लीडिंग न्यूज़पेपर ने खबर प्रिंट की है कि शाहरुख खान बांद्रा वर्ली सी लिंक के लिए खुद पैसे पे करेंगे। जो भी शाम को 7 बजे से 9 बजे तक वहां से जाएगा उन सब के लिए। अब सवाल ये कि शाहरुख ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसका जवाब ये है। बिल्कुल सही समझा आपने, जोर का झटका। दरअसल शाहरुख खान का ये शो आज से शुरू होने जा रहा है और वो चाहते हैं कि मुंबई की जनता काम करके जल्दी घर पहुंच जाए और इसीलिए सीलिंग का टोल उन्होंने फ्री कर दिया है। अब इसे देखकर हम तो यही कहेंगे कि प्रमोशन करना तो कोई किंग खान से सीखे। आमिर खान करने जा रहे हैं एक बहुत बड़ा काम, वो ला रहे हैं बॉलीवुड के दो जानी दुश्मन सलमान और शाहरुख को एक साथ एक ही छत के नीचे। रिसेप्शन तो इट्स मोस्टली अ फैमिली अफेयर विच इज देयर नाउ, देयर आर ओनली फैमिली पीपल कमिंग, दैट्स अ सरप्राइज। अपने भांजे इमरान खान की शादी के बाद जिस सरप्राइज ग्रैंड रिसेप्शन के लिए आमिर तैयारी कर रहे हैं उसकी एक नज़र आपके सामने है। जी हाँ, ये है इमरान और अवंतिका की शादी के बाद 5 फरवरी को होने वाला रिसेप्शन का इन्विटेशन कार्ड। लेकिन खबर ये रिसेप्शन नहीं है जनाब, बल्कि खबर बन रहे हैं होस्ट आमिर के इस रिसेप्शन में शरीक होने वाले गेस्ट। जी हाँ, आमिर ने मुंबई के 5-स्टार होटल में इमरान की शादी का जो रिसेप्शन रखा है उसमें बॉलीवुड के तमाम स्टार्स के साथ बॉलीवुड के दो बड़े दुश्मनों को भी बुलाया है। मीडिया में छपी खबर की माने तो आमिर ने खुद सलमान और शाहरुख को पर्सनली फोन करके 5 फरवरी को फ्री रहने के लिए कहा है, जिससे वो रिसेप्शन में जरूर पहुंचे। इतना ही नहीं, आमिर की गेस्ट लिस्ट में बिजनेस टाइकून ब्रदर्स मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी भी शामिल होने वाले हैं। दुनिया जानती है कि मुकेश और अनिल भी अपनी राइवलरी के चलते एक दूसरे को इग्नोर करते हैं, लेकिन दोनों के ही आमिर से अच्छे रिलेशन है। तो देखना दिलचस्प होगा कि 5 फरवरी की शाम होस्ट आमिर के कहने पर जो गेस्ट आने वाले हैं वो दोस्ती करके वापस जाते हैं या फिर नहीं।